नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ रामदेव जाखड़। दोस्तों, किसान आंदोलन से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, जहां आज 11वें दौर की मीटिंग में किसानों और सरकार के बीच क्या हुआ ये बताएंगे आपको। साथ ही पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर ममता बनर्जी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, उनके साथ ऐसा क्या हुआ ये भी बताएंगे आपको। साथ ही आखिर किन के निधन पर पीएम मोदी ने गहरा शोक जताया है इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि आखिर वह कौन सा शख्स है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी रोने पर मजबूर कर दिया है। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दरअसल दोस्तों, दिल्ली की सीमा पर डटे किसान और केंद्र की भाजपा सरकार के बीच आज विज्ञान भवन में 11वें दौर की मीटिंग हुई, जिसमें किसानों की ओर से उनके प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। वहीं सरकार की ओर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भाग लिया है। जी हां दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ी बात, आज 11वें दौर की मीटिंग के बाद भी बातचीत बेनतीजा रही है। जी हां दोस्तों, सरकार अपने अड़ियल रवैये से पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो वहीं सरकार बार बार एक ही बात दोहरा रही है कि पहले दिए गए प्रस्तावों पर किसान संगठन अपना रवैया स्पष्ट करे, लेकिन किसानों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वे सरकार की किसी भी प्रकार की बात को नहीं मानेंगे। बता दें कि आज 11वें दौर की मीटिंग में सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच बातचीत सिर्फ 20 मिनट तक हुई। मीटिंग का बाकी समय आपसी बातचीत में ही निकला। डीडी न्यूज से खास बातचीत में अखिल भारतीय किसान यूनियन यानी भाकियों के गुरमान सिंह चडूरी ने बताया कि आज की बातचीत को कोई हल नहीं निकला है। साथ ही उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब किसान आगे 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड की तैयारी में लगे हैं और सरकार ने आगे की मीटिंग के लिए कोई तारीख भी तय नहीं की है। बता दें कि पिछले 58 दिनों से दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड, बारिश और कई प्राकृतिक आपदाओं को झेलते हुए किसान सड़कों पर सोने को मजबूर है, लेकिन सरकार के कान में अभी तक जू तक नहीं रेंग रही है। जी दोस्तों, किसानों की दुर्दशा को देखकर सरकार का हृदय अभी तक नहीं पसीजा है। सरकार संशोधन की बात तो कर रही है, लेकिन किसान कानून को रद्द करवाने पर अड़े हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर है, चाहे जो भी हो, लेकिन किसान इस बार आर पार के मूड में हैं और करो या मरो के नारे के साथ डटे हुए हैं। और साथ ही 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड का ऐलान कर दिया है, जो सरकार के गले की फांसी बनती नजर आ रही है, क्योंकि अगर 26 जनवरी को किसान परेड में ट्रैक्टरों के साथ शामिल हुए तो ये मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उछल जाएगा, जिसकी वजह से पीएम मोदी की विश्व स्तर पर किरकिरी होगी। वहीं केंद्र सरकार कभी नहीं चाहेगी कि किसान आंदोलन की चिंगारी पूरी दुनिया के सामने आए, इसलिए अब ये देखने वाली बात होगी कि मोदी सरकार इस पर क्या रास्ता निकालती है। साथ ही सरकार को इस बात का भी डर लग रहा है कि कहीं यूएन इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर दे, क्योंकि इससे पहले कनाडा और अमेरिका में कई सांसद किसान आंदोलन को लेकर भारत पर दबाव बनाने की बात कह चुके हैं। दोस्तों बता दें कि किसान आंदोलन में अब तक कई जाने जा चुकी हैं, सरकार अपने अड़ियल रवैये पर अड़ी है। किसान तीनों कानून रद्द करवाने के बगैर मांग मानने के लिए तैयार नहीं है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, बात करते हैं पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव की, जहां पर ममता के गढ़ में क्यों भगदड़ मची है। दरअसल दोस्तों, बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की सियासी जमीन खिसकती नजर आ रही है। जी दोस्तों, ममता के गढ़ में भाजपा की सेंधमारी बढ़ती जा रही है। ममता सरकार की विधायकों से लेकर मंत्री तक इस्तीफा दे रहे हैं। आज सुबह ममता बनर्जी सरकार में वन मंत्री राजीव बनर्जी ने कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा देकर ममता को एक और झटका दे दिया है। आशंका है कि अमित शाह के बंगाल दौरे के दौरान वो बीजेपी का दामन थामेंगे। इससे पहले टीएमसी के कद्दावर नेता और ममता के मजबूत साथी शुभेंदु सरकार और करीबन 15 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया था, जिससे बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता अकेली पड़ती नजर आई थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि ममता सियासी मैदान में घायल सैनिक की तरह लड़ती है या फिर बीजेपी के सामने हाथ खड़े कर देगी, क्योंकि बीजेपी शुरू से ही जोड़ तोड़ में गठजोड़ की राजनीति करती आई है। साथ ही बंगाल चुनाव में बीजेपी द्वारा पूरे दमखम के साथ उतरने के कारण चुनाव आयोग ने बंगाल में दंगे की आशंका भी जताई थी। बंगाल चुनाव का शंखनाद हो चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सियासी रण में सियासी पार्टियां सरकार बनाने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाती है, क्योंकि जाति, धर्म, क्षेत्र के नाम पर वोट डालना इस देश में मतदाताओं की अब फितरत बनता जा रहा है। वही दोस्तों, अब आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन के निधन पर भावुक हुए और उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है।
दरअसल दोस्तों संगीत की दुनिया के सम्राट माने जाने वाले नरेंद्र चंचल का आज 80 वर्ष की उम्र में दिल्ली के अपोलो अस्पताल में निधन हो गया, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक जताया है और ट्विटर पर लिखा, लोकप्रिय भजन गायक नरेंद्र चंचल जी के निधन के समाचार से अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने भजन गायन की दुनिया में अपनी ओजपूर्ण आवाज से विशिष्ट पहचान बनाई। शोक की इस घड़ी में मेरी समानदाई उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। नरेंद्र चंचल को जागरण गीतों के लिए जाना जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।